पूरा रास्ता खराब हो गया एकदम। नया नया मिट्टी पड़ा था, इसके ऊपर से लग रहा है कोई बड़ी गाड़ी आ गई है, ट्रैक्टर या ऐसा कुछ आ गया है, इसकी वजह से पूरा मिट्टी मिट्टी पूरा खन गया है, ये कीचड़ हो गया। देखो थे रास्ता एकदम बर्बाद, पैदल चलने में भी डर लगता है इस पे। यहाँ से थोड़ा सही है पैदल चलने के लिए, यहाँ से थोड़ा सही है, लेकिन उधर पीछे से तो पूरा खराब, पैदल भी चलने लायक नहीं है। यही सामने वाला घर मेरा है, ये सीधा रास्ता मेरे घर पे ही आता है, लेकिन इतना ख़राब रास्ता है कि यहाँ पे बरसात में तो अभी तो थोड़ा पानी बारिश हुई तो ये हालत है, जब बारिश अच्छे से होने लगेगी तभी इसकी इसका हालत और खराब, इतना ख़राब हो जाएगा कि जैसे तो हम लोग आ भी गए तो चप्पल निकाल के आना पड़ता है, हाथ में लेके चप्पल, ताकि स्लिप ना हो। रास्ता ही देखिए, यही रास्ता पूरा ख़राब, यहाँ के प्रधान से बोला गया बनवाने के लिए तो वो 2 साल से बनवा ही रहे हैं, अभी तक बना ही नहीं इनका, जब भी फ़ोन करते हैं बस दो दिन करते रहते हैं, अभी तक बना ही नहीं, आज 2 साल से ऊपर हो गया, मेरा घर बने खुद 2 साल से ऊपर हो गया, ये उसके पहले से ही है 2 साल से, तो मैं जानता हूँ। आज यहाँ नए वाले घर पे हम लोग आए हुए हैं क्योंकि बरसात का टाइम है और इधर से ये खुला हुआ है तो इसमें से पानी अंदर जाता है, जिसकी वजह से नीचे सारा प्लाई रखा हुआ था, प्लाई व्लाई रखे थे, लकड़ी का सारा सामान रखा था, वो गीला हो गया तो ख़राब हो जाएगा, तो हम लोग आए इसको कवर करने के लिए, ये लेकर के आए घर से, इसको लगा करके फिर ये पत्थर बचा हुआ इसको रख देंगे ऊपर से तो पानी अंदर नहीं जाएगा। तो बारिश सुबह से हो रही थी, अभी बंद हुआ है, तो जब बंद हुआ तो हम लोग कहें चल के लगा देते, नहीं तो फिर से बारिश शुरू हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मौसम देख ही सकते हैं आप, पूरा ग्रीन ग्रीन हुआ है बारिश की वजह से, सब पूरा खेत चारों तरफ, बादल अभी भी लगा हुआ है पूरा अच्छा, अब बारिश होगी। अभी ये काम करके हम लोग को फिर निकलना है, गाँव भी जाना है आज, तो कहें भैया मौका यही सही है, बारिश बंद है लगा देते, नहीं तो पता नहीं फिर कब बारिश अब स्टार्ट हो जाएगी तो लग नहीं पाएगा, फिर हम लोग को गाँव जाना, गाँव चले जाएंगे तो और दिक्कत, वो भी नहीं हो पाएगा। रास्ता तो इतना ख़राब है, इतना ख़राब है, बाइक मैंने उधर ही पार्क कर दिया है, बाइक तो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है लाने का। ये रास्ता ये देखिए, ये रास्ता वहाँ देखिए, बाइक मेरी दिख रही है, वो रही मेरी बाइक वहाँ खड़ी है, यहाँ तो बाइक लाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, पैदल चलने में तो इतनी दिक्कत हो रही, बाइक से क्या ही कोई आएगा। ये पूरा रास्ता प्रधान से बोला जा रहा तो बस कह रहे हैं कि दो दिन बन जाएगा, करते 2 साल से ऊपर हो गया मेरे घर बने हुए, और तब से मैं देख ही रहा हूँ, सुन ही रहा हूँ, दो दिन तब से तो नहीं बना, और इसके पहले से ही ख़राब है। ये जो लोग यहाँ रहते हैं, जिन लोग का घर है बगल में, ये लोग बताते हैं कि 3-3.5 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, और हर साल कहते हैं बरसात के पहले बन जाएगा, 2 दिन में बन जाएगा, 3 दिन में बन जाएगा, ये करते रहते हैं, लेकिन बनता नहीं है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ नए वाले घर पे आ नहीं पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे रहने लायक हो गया है, तो बस उसी रास्ते के चलते हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आना जाना बहुत दिक्कत है, पैदल तो निकल नहीं पाते हम लोग, तो बाइक क्या लेके निकलेंगे, उसमें से गिर जाएंगे, चोट वोट लग जाएगी, इससे बढ़िया जब तक रास्ता ना ठीक हो जाए। हम लोगों वैसे तो प्रधान के पीछे पड़े हुए, हम लोगों ने कहा जो यहाँ जितने भी यहाँ लोगों का घर है 2-3 लोगों का, तो उन लोगों से हम लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग पैसा मिला करके खुद से ही रास्ता बनवा देते हैं, ईंटे का खड़ंजा लगा देते हैं, उसके लिए भी सब लोग रेडी नहीं हो रहे हैं,
दिक्कत सबको हो रही है लेकिन रेडी कोई नहीं हो रहा। तो हम लोगों ने भी कहा चलो जब तक नहीं बनता है तब तक हम लोग वहीं रहेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा रास्ता तभी हम लोग यहाँ रहने आएंगे। तो अभी आया हूँ, ये छत का ये जो खुला हुआ है इसको बंद करने के लिए, तो जा रहे हैं इसको बंद कर देते हैं पहले, क्योंकि गांव निकलना है तो अगर बारिश होने के पहले चला जाऊँ तो ज़्यादा सही है, क्योंकि आज जाना थोड़ा इम्पोर्टेंट है गाँव, और बारिश होने के पहले चला जाऊँ तो ठीक है, वरना बारिश होने लगेगी जाना मुश्किल हो जाएगा। तो यही है, इसको बंद करना है पहले, ये सब बांस बल्ली जो पड़ा हुआ है इसको हटाते हैं, हटा करके इसको कवर करते हैं पहले। मौसम ठीक है, बारिश हुआ है, ये सब अंदर रख देना चाहिए, जबकि हम लोग को पूरा लकड़ी ख़राब हो जाएगा बारिश में, ये काम आएगा, ये हम लोग का है भी नहीं, जो मिस्त्री लोग यहाँ काम करते थे ये उन लोग का है, तो उन लोगों ने यहीं रख के छोड़ दिया। अब इतना लंबा है कि इसको तो उठाना ही पड़ेगा, उठा के निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, तो इसको निकाल के साइड रखते हैं पहले। ये पुराना चारपाई रखा हुआ है इसको हटाते हैं पहले, ये भी ख़राब ही हो गया, ये ठंडक में इसको ठंडी में इसको आग लगा कर ताप लेंगे, ये बर्बाद हो गया, कोई काम का तो है नहीं, वो लकड़ी भी नहीं इसका किसी काम आने वाला। चलो अब इसको हटाते हैं, काफ़ी बड़ा बड़ा लंबा लंबा बांस है, दिक्कत हो रही, दिक्कत भी होगी हटाने में। अरे यार किसे किसे किसे, ये इतना लंबा बांस, दिक्कत हो, इसको सोच रहे हैं इसको हटा के अंदर रख दे कहीं कमरे में, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा, बरसात का टाइम आ गया है, लकड़ी फूल के ख़राब हो जाएगी पानी से भीग के। छत के कोने में इतना कूड़ा रखा हुआ है, ये सब जब वायरिंग का काम हुआ तो उसका सारा ये बॉक्स पड़ा हुआ है, कोई जगह नहीं था, पापा ने ही रखवा दिया सब, नीचे टाइल्स लग गया है तो टाइल्स में रखते तो ख़राब लगता वो, इसलिए पूरा काफ़ी भारी भारी है, ये वाला ज़्यादा भारी है, ये सबसे मोटा भी है, काफ़ी है, इससे ज़्यादा हैवी है ये, तीन अब एक लास्ट बचा हुआ है, इसको हटा करके, ये छोटा है वैसे इसे तो हटा देते हैं, फिर भी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इससे, लेकिन हटा देते हैं। तो पूरा हो गया, अब यहाँ पे इसको कवर करते हैं। ये जब घर बन रहा था हम लोगों ने मना करा था कि ये सब नहीं बनवाने के लिए, क्योंकि पता था यहाँ से पानी जाएगा, सब कुछ ख़राब होगा, वो दीवार पे देखिए पानी का दाग लग गया पूरा, नया नया अभी पेंट हुआ है, दीवार में सारा पानी का दाग लग गया, नीचे कितना पानी है, तो हम लोगों ने मना किया था मम्मी को, लेकिन मम्मी कहा कि हिंदू धर्म के हिसाब से ये होना चाहिए घर में, तो छोटा ही, लेकिन मम्मी ने बनवा दिया है, एक यहाँ पर है एक नीचे भी है। तो अब बारिश के मौसम में बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ से पानी जा रहा है, अंदर जो सामान रखा है सब कुछ गीला हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो इसका कुछ परमानेंट इलाज तो करना ही था, हालत ख़राब हो गई, पूरा पसीना हो गया इतने ही में, अभी मौसम ठीक है, हवा चल रही है, फिर भी गर्मी लग रही है, बादल पूरा अच्छा खासा लगा हुआ है, इसको लगा के तुरंत पहले हम लोग यहाँ से चले, नहीं तो बारिश हो जाएगा तो यहाँ अटक जाएंगे। इसको अब खोलते हैं, चलो तो मैं अभी आपसे मिलता हूँ, उसको खोलने के बाद मिलता हूँ, क्योंकि एक हाथ से खोल नहीं पा रहा है, खोलने के बाद से मिलता हूँ। ये लग गया, पत्थर रख दिया, लेकिन पत्थर थोड़ा छोटा पड़ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ से यहाँ तक ये भी छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी सोच रहे हैं ईंटा रख दें, क्योंकि अगर हवा चलेगा ये उठ जाएगा, पानी अंदर जाने का खतरा है, तो पत्थर तो रख दिया है, पत्थर रखने से दब तो गया,
अब यहाँ पे से ईटा रख देंगे, ईटा रख देंगे तो उससे वो दबा रहेगा, हवा चलेगा तो पानी अंदर नहीं जाएगा। ईटा हमारे पास पड़ा हुआ है इतना, घर बन रहा था सब बचा हुआ था तो इसको रख दिया था कि काम आएगा कभी ना कभी, और काम आ ही रहा है आज। इसे थोड़ा सुरक्षित हो जाएगा अंदर का सामान, क्योंकि लकड़ी रखा हुआ था खरीद के प्लाई दरवाज़ा बनाने के लिए। तो कल हम लोगों ने देख, कल बारिश ज़्यादा तेज हुई थी, और जब कल शाम में आके देख रहे हैं तो प्लाई पूरा भीगा हुआ है एकदम, तो सड़ जाता है अगर हम लोग ध्यान नहीं देते तो। इसने कहा कि ये घर पर पड़ा हुआ था शीट, तो कहा कि घर से ला के इसको लगा देंगे तो उससे थोड़ा सेफ रहेगा। ठीक है, इसको पूरा कवर कर दिए हैं, अब भीगना तो नहीं चाहिए, अब तो पानी अंदर नहीं जाना चाहिए शायद। नहीं, जितना भी और ईटा बचा उसको रख ही देते। थोड़ा टुकड़ा ये रख देते हैं क्योंकि जगह नहीं उस पर रखने के लिए। पत्थर ज़्यादा सही लग गया है, ये पत्थर और पड़ा हुआ है नीचे, लेकिन इतना भारी है कि लाने में ऊपर सेकंड फ्लोर तक हालत ख़राब, इतना ही लाने में हालत ख़राब हो गया एकदम, तो कौन जाएगा लेने। यहाँ पे ईटा पड़ा हुआ था तो फालतू का मेहनत करने क्या ज़रूरत है, ईटा ही लगा देते हैं फिर, बहुत ईटा लगने से भी काम चल जाएगा। बस हो गया, एक ही टब इस पर और आ जाएगा यहाँ बीच में। बस पूरा है भी एकदम, अब पानी जाने का चांस कम, कम क्या है, शायद नहीं भी है, नहीं जाएगा, समझ नहीं आ रहा इस बांस का क्या करें। इसको उठा के उस पर रख दें, इसको वापस वहीं जहाँ था वहीं उठा के रख देते हैं, बस वहीं गुस्सा में ढकेल दे। वहाँ बस इतना लंबा लंबा बांस ही कहीं रखने का भी जगह नहीं है ना, सीढ़ी से अगर नीचे लेके जाते हैं तो बहुत दिक्कत होगी, और फिर यह है कि कहाँ रखेंगे, बात यह भी है। कमरे में इतना लंबा लंबा बांस कहाँ रखेंगे, क्योंकि नीचे खुद ही प्लाई वाई पड़ा हुआ है, वैसे भी अपना है नहीं, इसका है वो मिस्त्री लोग का, ले ही नहीं गए हम लोगों से क्या मतलब, पड़ा हुआ है अगर काम आ जाएगा हमारे तो ठीक है, वरना नहीं पड़ा रहेगा। वैसे तो काम वाम होना ही है, अभी पेंट वेंट पूरी जगह पे नहीं हुआ है, तो पेंट वेंट होना है तो बांस की तो ज़रूरत पड़ेगा ही। यहाँ पे है कुछ बांस, चार पांच है, अंदर भी है कमरे में, थोड़ा मोड़ा ही लेना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। पाइप भी बचाना होगा कि ना भारी भारी बांस है, पाइप पे अगर लोड जाएगा तो टूट जाएगा पाइप पानी वाला। ये हो गया कम्प्लीट, ये इस पर अब और वेट पड़ गया, तो पूरा पैक हो गया, पानी जाने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ ये भी तो बचा रखने के लिए, बस ये भी फिट। हाँ पूरा गंदा हो गया, अब धुलना है हाथ। तो काम तो कंप्लीट, सोच रहे हम निकल जाएं घर। मोर बोल रहा है, यहाँ पे मोर बहुत आते हैं बरसात के टाइम में, मोर बहुत आते हैं यहाँ पे। अभी इस साल तो थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन पिछले साल तो इतने ज़्यादा आते थे, यहाँ छत पे बैठे रहते थे, दो तीन मोर हमेशा कहीं भी देखें अगर तो मोर दिखता ही था। इस साल तो उतना नहीं दिख रहा है। ये बगल में मेरे एक और घर है, ये लोग शायद बहुत दिनों से रह नहीं रहे यहाँ पे, देख सकते हैं पूरा पानी भर गया है छत पे, कहीं काफ़ी दिनों से दिख नहीं रहा है। यहाँ पे नहीं रहने का रीज़न सिर्फ एक ही, वही रास्ता, रास्ते की वजह से ही नहीं रह रहे हैं ये लोग भी, क्योंकि वहाँ से आने जाने लायक है नहीं बिल्कुल भी। और पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, बादल देखिए लगा हुआ है पूरा अच्छा सा, बारिश होगी अभी और बारिश होगी, ठीक है होगी तो अच्छी बात है।
हो जाए तो। ये रास्ता इतना ख़राब है, लोग पैदल ही आ रहे हैं, गाड़ी से कोई नहीं आ पा रहा है वहाँ से। देखते हैं कब तक बनता है रास्ता आखिर में, जब पूछो तब बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। चलो जब भी बनेगा देखा जाएगा। दरवाज़ा लगाते हैं, चल नीचे से देखता हूँ उसको एक बार, पैक हुआ कि नहीं अच्छे से। अगर पैक हो गया तो फिर निकलें घर। 11:30 11:30 11 बजे से सोच रहा हूँ निकल जाऊँगा गाँव, अगर मौसम सही रहा तो। नहीं तो फिर जब भी मौसम सही रहेगा, जाना तो आज है, इम्पोर्टेंट है, तो कभी तो जब भी मौसम सही रहेगा तभी निकलूँगा। तो फिलहाल में बारिश तो नहीं हो रही है। एक सेकेंड, ताला बंद करके मिलता हूँ। फिलहाल बारिश तो नहीं हो रही है, तो जाने लायक भी मौसम है, तो निकल जाऊँगा। अभी 10 बज रहा है मेरे ख्याल से, 10 नहीं बज रहा, 10 बजने वाला है। और इतने से काम करें, देखिए ना हड़क कैसी होगी, पसीना पसीना हो गया पूरा। यही देखिए, यही था यहाँ पे एक, ये जो प्लाई रखा हुआ है ये भी थोड़ा मोड़ा गीला होगा, ये सूख गया है यहाँ पे, यहाँ पे प्लाई कल रात में गीला हो गया था, सूख गया। यही प्लाई यहाँ पे रखा हुआ था और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इधर से पानी, बारिश जब हुआ तो इधर से पानी आया, पानी आ करके यहाँ से इधर देखिए अभी पानी यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ से स्लोप बना हुआ है, तो ये स्लोप से वहाँ पे प्लाई रखा हुआ था, स्लोप से पानी बह के आया और प्लाई में लगने लगा। तो कल ध्यान दिया मैंने तो यही सारा उसका पानी दिखे, कल मैंने किनारे किया था तो सूख लिया था पानी, तो मैंने उसको उठा के फिर अंदर रखा, ये साफ़ किया और उसको आखिर में लगाना ज़रूरी था। लग गया देखिए, दीवार भी पूरा एकदम पानी के दाग, पूरा पानी का दाग लग गया है, ब्लैक ब्लैक, तो दिक्कत हो रहा था ये। और नीचे भी पानी जा रहा था, तो नीचे जैसा कोई सामान नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे मंदिर रखा हुआ है भगवान का, तो उस पर पानी छींटे उठे जा रहे थे, तो कवर हो गया, वो सही हो गया। और ये कमरा हमारा है, हम लोग का, खिड़की यहाँ पे नहीं था, ये खिड़की मैंने बाद में बनवाया है, देख रही है टूट गया, टूटा हुआ सा दिख भी रहा है, ये बाद में मैंने खिड़की बनाया, क्योंकि खिड़की यहाँ जब नहीं था तो ये कमरे में इतना अंधेरा रहता था, और ये दरवाज़ा अगर बंद कर दे तो बहुत अंधेरा रहता था, हवा हवा नहीं आता था। तो हम लोगों ने लास्ट मोमेंट में डिसाइड किया कि नहीं खिड़की खुलवा लेते हैं यहाँ पे, तो जब टाइल्स का काम चल रहा था तो हम लोगों ने खिड़की खुलवा दिया। और अभी ऐसे खिड़की खुलवाने से ये हो गया कि दरवाज़ा नहीं खोलना पड़ेगा, अगर मौसम देखिए जैसे आज मौसम अच्छा है तो खिड़की खुला हुआ है, यहाँ से हवा अच्छा खासा आ रहा है, और हवा आ रहा है क्रॉसिंग के लिए, यहाँ पे भी दरवाज़ा है, तो उसकी वजह से कमरा ठंडा रह रहा है, तो सिर्फ एक फ़ैन से भी यहाँ पे काम चल जाएगा अगर एसी ना भी लगती है कमरे में, तो अगर ऐसा मौसम है तो, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो एसी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये बन गया ठीक है, बालकनी दरवाज़ा तो ऐसा था लेकिन दरवाज़ा हमेशा नहीं खोल के रख सकते थे, तो खिड़की बनाना तो ज़रूरी था, ये बालकनी तो था ही लेकिन खिड़की ज़्यादा ज़रूरी थी। आज का मौसम बहुत अच्छा हुआ है, एकदम चारों तरफ कलरफुल हरियाली हरियाली दिख रही है, क्योंकि बारिश हुआ है ना, अभी सारे पत्ते धुल गए पेड़ के और खेत के। रास्ता आप लोग देख ही रहे हैं, वो मिट्टी डलवा के, अब मिट्टी जैसे डलवाया वैसे बारिश हो गई, और जब बारिश हुई तो उससे गाड़ियाँ आने लगी, ट्रैक्टर वगैरह, और वो पूरा बर्बाद रास्ता। ये दरवाज़ा पूरा जाम हो गया क्योंकि खुलता नहीं है कभी, इसमें देखिए सीमेंट वीमेंट सब लग गया है, इसको साफ़ करना पड़ेगा, रहने आएंगे तो साफ़ करेंगे। ये आवाज़ भी कर रहा है क्योंकि कभी खुलता नहीं है ना ये, कभी कभार खुलेगा एक दो बार, इसकी वजह से जाम हो गया है। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ घर, तब निकलता हूँ घर, देखते हैं उसके बाद, मौसम ठीक रहता है तो निकलते हैं फिर गांव। और ये खिड़की हम लोगों ने लगवाया था, हम लोगों ने पीवीसी वाला कहा था लेकिन पीवीसी वाला खिड़की मिला नहीं, तो एल्युमिनियम वाला लगा दिया, जैसे वो वाला खिड़की, वो मुझे ये वाला खिड़की ज़्यादा अच्छा लगता है, कलर इसका क्योंकि डार्क है, इसका कलर थोड़ा लाइट है, लेकिन ठीक है, ये भी अच्छा लगता है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ये भी अच्छा लग रहा है, ये तो इस कलर का ये खिड़की है, तो वो कलर बता रहे थे डार्क वाला नहीं मिल रहा है अब, ये वाला भी डार्क है, ये दो डार्क कलर में आ गया था, तो अब पूछा गया तो बता रहे कि अब डार्क कलर नहीं मिल रहा है। ये किचन का खिड़की है, ये भी स्लाइडिंग डोर है, ठीक है। यहाँ पे किचन वाले उन्होंने जाली लगवाया ताकि यहाँ से कुछ मतलब मच्छर वगैरह सब ना आ पाए, क्योंकि किचन में खाना बनाना रहेगा तो दिक्कत होता है, वैसे जाली सब में लगवाएंगे, सारी खिड़कियों में, अंदर वाली खिड़कियों में नहीं लगवाएंगे, तो अभी जब रहने आएंगे तब वो सब लगवाएंगे। अभी खिड़की
मैं अभी जैसे ये नीचे से गैपिंग है तो ये सब गैपिंग अभी पूरा भरा नहीं है, ये सब गैपिंग दिख रहा है, भरा नहीं है, भरेगा, भर के पूरा गैपिंग ये अच्छे से पैक हो जाएगा। ये बालकनी एरिया है हम लोग के घर का, नए वाले घर का। हम लोग नए वाले घर में 5 वॉशरूम है, 2 ऊपर है, 2 नीचे है और 1 छत पे है, 5 टोटल, इन टोटल पूरा 5 है। वो हम लोगों ने जान 5 बनवाया था ताकि कोई अगर गेस्ट लोग आते हैं तो दिक्कत ना हो किसी को। पूरा पानी लगा हुआ है, पानी से भीग गया है, टाइल्स पूरा गंदा हो गया है बारिश की वजह से, और कीड़े इतने लग रहे हैं ना, बरसात का टाइम में कीड़ा तो बहुत लगता है, देखिए सब बरसात के टाइम में लगते हैं वो ज़्यादा, तो पूरा एकदम गंदा हो गया है। और टाइल्स भी इस कलर का है कि वो कीड़ा उसमें दिख नहीं रहते अच्छे से, ध्यान से दिखने पर पता चल रहा है। तो बरसात जब ख़त्म होगा उसको धुलना पड़ेगा, एक बार धुलेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, चलते हैं, कीड़ा पूरा सब लाइट जहाँ से, क्योंकि यहाँ पे लाइट लगा हुआ है सीढ़ी पे, कल रात में ऑन किया था हम लोगों ने तो उसकी वजह से सारा कीड़ा यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, अब सारा काम ख़त्म, मतलब सारा काम क्या वही लगाना था जो ख़त्म, और अभी जा रहा हूँ घर क्योंकि निकलना भी है, तो नहाऊँगा पहले, तो ये हालत ऐसी इतनी बुरी हुई है कि नहाना ही पड़ेगा, नहा के जाऊँगा, कपड़ा भी धुलना है, धुल के कपड़ा उसको पन्नी में रख के लेते जाऊँगा, सूखेगा तो नहीं, वहाँ ले जाकर सुखा ले जाऊँगा, सुखा लूँगा। ठीक है, अभी पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पसीना हो रहा है, देखिए हालत एकदम कैसी हो गई है, चश्मे में भी पसीना पूरा आ गया है, इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है। तो ठीक है, सारा काम ख़त्म, अब निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ घर, यहाँ से तो पैदल ही जाना है, रास्ता इतना ख़राब है कि यहाँ से पैदल ही जाना है किनारे किनारे से। अब बाइक भी उधर रखी है तो थोड़ा दिक्कत है, कहीं कोई बच्चा वच्चा चढ़ के गिरा ना दे, कोई चोट लग जाएगा किसी को, तो फिर गाँव है ना, लोग बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं अब घर।